दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने की खुशी यहां पूरे देश में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। वहीं गुरदासपुर की अगर बात की जाए तो यहां भी आप पार्टी के कार्यकर्ता ने आप पार्टी के जनरल सचिव और हल्का कादिया के इंचार्ज डॉक्टर कंवलजीत सिंह की अगुवाई में दिल्ली की जीत की खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे गए और जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं डॉक्टर कंवलजीत सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने साबित कर दिया कि जीत विकास की होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई है और आने वाले समय में अब इसका असर पंजाब के चुनावों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं और लोग अब उसी की सरकार बनाना चाहते हैं जिसने लोगों के लिए काम किए हैं, लोगों के हित में विकास कार्य करवाए हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार जी है तीसरी बारी बनी है, बहुत खुशी की गल है, बहुत बहुत बधाई पंजाब के लोगों, आम आदमी पार्टी के वलंटीयरस और पूरे भारत देश के लोगों कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने एक राजनीति के बहुत बड़ा परिवर्तन लिया है। और परिवर्तन यह है कि जिहड़ियां 70 साल जिहड़ियां पहला राजनीति होंदी रही है वह धर्म के नाते नफरत के नाते और झूठ के नाते चलती रही है, अज अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के लोगों ने साबित करता है कि जिहड़ी राजनीति हैगी वह विकास के नाते होगी, वो सरकारी स्कूलों सरकारी हस्पतालों सरकारी बसों सस्ती बिजली तो साफ सुथरे पानी के उपर होएगी, सरकारी अदारों के लिए काम करने वास्ते जिहड़ियां पार्टियां अगे आउणगियां उन्होंने लोग वोट पाउणगे, बाकी जिहड़े लोग जिहड़े ने जिहड़े नफरत की राजनीति करते हैं जिहड़े गाली गलोच की राजनीति करते हैं लोग उन्होंने जिहड़े हैगे मूँह नहीं लगाणगे उन्होंने नकारनगे। कैप्टन सरकार ने इन्ने वादे किए आने वाले समय की वेखते हो? कैप्टन सरकार की 3 साल करीब करीब उन्होंने सरकार चलांदिया हो गया, अगर उन्होंने वादे करने होंगे तो पहले साल के ही वादे पूरे कर सकते सिगे स्टार्ट करते सिगे, पर जो उन्होंने वादे किए ने वादे नहीं किए ही उन्होंने झूठ बोलिया सीगा, लोगों झूठे वादे किए सिगे और झूठे वादे कभी सच्चे नहीं हो सकते, ना ही उन्होंने नीत हैगी, और जे नीत होंगी तो उन्होंने गुटका साहब की सहु खा के कहा कि मैं 4 हफ्तों के नशा जोड़ा है पंजाब बंद कर देवगा, अज 3 साल हो गए हैं तो हूँ भी व्डिया व्डिया खेपा जड़िया ने नशे दियाँ मिल रही ने और नशे देपा कितों मिल रही ने अकालिया के लीडर घर चो निकल रही ने, अकाली हूँ भी जड़े ने अपने नशे बेची जा रहे हैं और एक बड़ी वही जी तमाचा है कांग्रेस की सरकार ली कि सरकार जी कांग्रेस की हैगी नशे जड़े अकालिया के बिकी जा रहे हैं। दूजी राजनीतिक पार्टियां कहना है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, हम दिल्ली में जो सरकार बनी की वेखते हो? पंजाब आम आदमी पार्टी का बहुत वधिया चल रहा है, अगे भी चल रहा है क्योंकि असी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाँ, साढ़े 20 MLA ने और असी दूसरे नंबर की पार्टी पंजाब दे विच हैगा, दिल्ली के इलैक्शन ने अज जिहड़ा हैगा पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा बहुत वड्डा परिवर्तन लिया, लोगों की सोच जिहड़ी हैगी आम आदमी पार्टी के नाल जुड़ गई है, ये सोच सिर्फ पंजाब के लोगों की नहीं जुड़ी ये पूरे भारत के लोगों की जुड़ गई हैगी और पूरे भारत के लोग जिहड़े चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्गे जिहड़े ईमानदार और मेहनती और विकास करवाने वाले चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए ने, इहो जिहा जिहड़ा हैगा प्रधानमंत्री होना चाहिए जिहड़ा नफरत ना करे लोगों के विकास नाल लोगों नूं अगे लैके जाए और भारत देश नूं अगे लैके जाए। पंजाब विच किहदी हुण वेखदे हो कौण बणाऊगा पार्टी बणाऊगी कि बणाऊगी? बिल्कुल 2022 दे विच जिहड़े इलैक्शन आ रहे हैं आम आदमी पार्टी 100% जिहड़ी हैगी अपनी सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ते तां ही पंजाब दे विच किसानां दा मजदूरां दा दलितां दा व्यापारियां दा स्टूडेंट्स दा भला होएगा और पंजाब सूबा जिहड़ा बहुत मेहनती सूबा हैगा कुदरत ने इहनूं बहुत अच्छा बनाया जिहड़ा नंबर 1 ते रहिंदा सीगा पर इह कांग्रेस ने और अकाली दल ने रल के जिहड़ियां राज करके इहनूं 18वें नंबर ते लै गिआ, आम आदमी पार्टी दे और पंजाब दे लोग जिहड़े ने पंजाब सूबे नूं फिर भारत दा नंबर 1 सूबा बनाउणगे और इहदी तरक्की दे विच जिहड़ा वड्डा योगदान पाउणगे।